परजेंट बाई काका म्यूजिक। उदय सिंह जी माता जयवंती के कोख से जन्म लिया, एक ऐसा वीर सपूत लाल जिन्होंने इस मातृभूमि के लिए अपने जीवन के सारे सुख त्याग दिए, जंगलों में रहना तय किया, घास फूस की रोटियां खाई। आज हम अपने परिवार के लिए इतना सा कष्ट नहीं देख सकते। उन्होंने पूरी संत समाज अपनी पीढ़ियों के लिए हमेशा हमेशा के लिए आजाद करने के लिए इतनी बलिदानियां दे दी। तो ऐसे वीर पुरुष की गाथा जो कुंभलगढ़ के बड़े सुंदर कवि माधव जी दर्क, उनका करीबन 1-1.5 साल पहले देहांत हो गया। उन्होंने बड़ी सुंदर रचना लिखी है, मीठी मीठी तालियों के साथ वो सभी मेरा साथ देंगे। हल्दी घाटी में समर लड़ो, हल्दी घाटी में समर लड़ो, वो चेतक रो असवार कठे, मायण थारो वो भूत कठे, वो एक लिंग दीवान कठे, वो महाराणा प्रताप कठे। भारत माता की बोलिए, महाराणा प्रताप जी। राजस्थान में इस देश में सूरवीरों ने पग पग पे अपनी बलिदानियां दी है और धर्म को जिंदा रखा है। मैं बाचो है इतिहास में, मैं बाचो है इतिहास में, मायण थे एड़ा पूत जण्या, मायण थे एड़ा पूत जण्या, मायण थे एड़ा पूत जण्या। तन पान लजायो नहीं थारो, तन पान लजायो नहीं थारो, रणधीरा में सरदार बण्या, रणधीरा में सरदार बण्या, रणधीरा में सरदार बण्या। तेरे मन सो बाटीला, तेरे मन सो बाटीला, सारा पण जाऊन रे आगे। वो चुक्यो नहीं नर ना हरियो, अकबर री सेना रे आगे, अकबर री सेना रे आगे, अकबर री सेना रे आगे। हिंदुवा सूरज में वाण रतन, हिंदुवा सूरज में वाण रतन, वो महाराणा प्रताप कठे। भारत माता की जय हो, जय हो। और कहा हल्दी घाटी की माटिया, माटी हल्दी घाटी रिया,
लागे केसर और चंदन है, लागे केसर और चंदन है, लागे केसर और चंदन है। माथे पे तिलक करा इन रो, माथे पे तिलक करा इन रो, इन माटी ने नित वंदन है, इन माटी ने नित वंदन है, इन माटी ने नित वंदन है। यारण भूमि थी रक्त भूमि, यारण भूमि थी रक्त भूमि, दर्शन करवा मन ललचावे। उन वीर शूर मारी यादा हिवड़ा में जोश जगा जावे, हिवड़ा में जोश जगा जावे, हिवड़ा में जोश जगा जावे। उन स्वामी भक्त छे तकरी टावा, उन स्वामी भक्त छे तकरी टापा, री टप टप आवाज कठे। और जब महाराणा प्रताप युद्ध क्षेत्र के लिए रवाना, उस समय महाराणा प्रताप की अर्धांगिनी ने चेतक से क्या कहा कि इस मेवाड़ की लाज, इस धरती की लाज, मेरे पति की लाज किस प्रकार तुम्हारे हाथ में है, तो चेतक से क्या कहा, ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, तुझ पे सवार है जो मेरा सुहाग है, वो रखियो रे आज उनकी लाजी हो। ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, जय हो। और कहा तुझ पे तो भार आज पूरे मेवाड़ का, करना पड़ेगा तुझे सामना पहाड़ का, करना पड़ेगा तुझे सामना पहाड़ का। ये गड़ियान की है, तेरे इम्तिहान की है, रखियो रे आज उनकी लाज हो। वो पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, और जहां तक लगता है इस रचना में एक वो लाइन, ये कश्मीर भारत का है, शायद अब ये गाने की जरूरत नहीं है। इसलिए इस मेवाड़, इस राजस्थान की भूमि का बखान करते हुए कवि ने लिखा, कुंबलगढ़ को गुंदा चावंड, हल्दी घाटी और कोल्यारी, हल्दी घाटी और कोल्यारी, हल्दी घाटी और कोल्यारी। मेवाड़ मोमरा तीरथ ये राणा प्रताप ने बलिहारी, राणा प्रताप ने बलिहारी, राणा प्रताप ने बलिहारी। कई हरिद्वार काशी मथुरा, कई हरिद्वार काशी मथुरा, पुष्कर गंगा में स्नान करो। सब तीर्था को फल मिल जावे, मेवाड़ भूम में जद निकलो, मेवाड़ भूम में जद निकलो, मेवाड़ भूम में जद निकलो। कभी भादव नमन करे सत सत, कभी भादव नमन करे सत सत, मोती मंगरी में आज अठे। मायण थारो वो एक लिंग दी, वो महाराणा, वो महाराणा। और देखिए हमारी भारत भूमि के लिए लिखा कि किसी ने तो देश जीतने के लिए
खूब कोशिशें की होगी, मगर हमारा भारत देश ऐसा है कि देश जीतने पे ज्यादा ध्यान नहीं देता, लोगों के दिलों को जीतने की कोशिश करता है। यहाँ हर एक व्यक्ति प्रेम से रहता है, ये है हमारे भारत देश की विशेषताएं। तो इसी के साथ में देशभक्ति की दो लाइनें आपके बीच में कि हमारे जो भारत देश की विशेषताएं हैं किस प्रकार,